मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फाइव का पार्ट 10। इस पार्ट का शीर्षक है नीम का पत्र। ठीक है, हम लोग पढ़ते थे कि नीम का पत्र। यह पार्ट एक पत्र है, यह पार्ट जो मैं पढ़ी था एक पत्र है जो कि नीम के एक पेड़ द्वारा बच्चों को लिखा गया है। अच्छा, इस पत्र में पेड़ बच्चों से अपने जीवन के कुछ मुख्य अनुभव साझा कर रहा है। जो नीम का पेड़ है वो बच्चों को एक पत्र लिखा है, जो भी अपने जीवन के जो भी मुख्य मतलब अनुभव है वो उसे बता रहे, मैंने साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो नीम का पेड़ बच्चों को क्या लिखे हो बता रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं बहुत दूर से तुम्हें यह पत्र भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम सब बच्चों से बहुत प्यार है। नीम का पत्र लिख रहे बच्चों को, मैं बहुत दूर से यह पत्र भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। अच्छा, पहले अपने बारे में तो बताऊँ, मैं नीम का एक पुराना पेड़ हूँ। नीम का पेड़ होता, मैं सबसे पहले क्या अपने बारे में बताऊँ, मैं अपना वो परिचय दे रहा नीम बच्चों को, है ना, कि मैं एक नीम का पेड़ हूँ। ठीक है, मैं एक नीम का पुराना पेड़ हूँ। मेरा जन्म कब हुआ यह तो मुझे नहीं मालूम। नीम का पेड़ बच्चों से कहती है पत्र के द्वारा कि मेरा जन्म कब हुआ यह तो मुझे नहीं मालूम, है ना, नहीं पता। अच्छा, पर शहर के कोने में खाली पड़े एक मैदान में मैंने अपने आंखें खोली। नीम जो कहती है पत्र के द्वारा बच्चों को कि एक जो मैदान है, जो खाली पड़ा हुआ जमीन है, वहाँ पर मुझे क्या जगह, मैं वहाँ पर मेरा जन्म हुआ, मैंने आंखें खोली ना, जन्म हुआ। क्या दिन हुए थे वो बता रही, क्या दिन हुए थे, है ना, तब ना मोटर गाड़ियाँ का शोर था ना कारखाने का धुआं। मैंने क्या वो दिन थे, नीम का जो जब वो छोड़ती मैंने सोच लिए, मैंने सोचता है कि क्या वो दिन था, है ना, ना तो मोटर गाड़ियाँ की शोर था ना कारखाने का धुआं, कोई प्रदूषण उस समय नहीं था। मैदान में चारों तरफ हरे भरे पेड़ दिखाई देते थे। मैदान के चारों ओर क्या दिखाई देते थे, हरे भरे पेड़ दिखाई देते थे। जब बारिश आती तो यहाँ चारों ओर जमीन पर हरी चादर बिछ जाती थी, मैंने छोटे छोटे घास फूस उग जाते थे। जब बारिश होती थी तो चारों ओर क्या होता था, उस मैदान में क्या होता, हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। अच्छा, कितने ही रंग बिरंगे पक्षियों ने यहाँ हम पेड़ों पर डेरा डाल रखा था। कितने ही, है ना, कितने ही मन अनेकों जो पक्षियाँ थे, रंग बिरंगे पक्षी, है ना, सुंदर पक्षी क्या हो जाएगा हमारे जो पेड़ में, जो नीम के पेड़ में क्या हो जाएगा, वहाँ पर उन सबका बसेरा था। उस पेड़ में उन सब जो पक्षियों का क्या होता, रंग बिरंगे पक्षियों का क्या था, बसेरा था, वहाँ वो रहते थे। मैं कितना खुश था कि अब कभी शाम को तुम्हारे जैसे नन्हे नन्हे बच्चों मेरी छाया में खेलने आते थे। उस समय नींद कहती है कि मैं कितना उस समय खुश था कि कभी शाम को तुम्हारे जैसे, है ना, नन्हे नन्हे बच्चे मेरी छाया में खेलने आते थे। वे कभी मेरी डालियाँ पकड़कर झूलते, कभी उस मेरे ऊपर चढ़कर खेला करते। कभी कभी वो मेरी डालियाँ पकड़कर झूलते, ठीक है, कभी मेरे ऊपर चढ़कर खेल खेलते, कभी मेरी शाखाओं से झूला डालकर झूलते। कितना जगह नीम का पेड़ पर क्या जगह झूला डालकर झूलते। पहले सावन का महीना में वो क्या करते, बच्चे लोग होते थे, बड़े बुजुर्गों के तो सभी क्या करते थे, नौजवान के सभी क्या करते, झूला लगाते थे, झूला झूलते थे। ठीक है, ठीक है, तो समझे ना, नीम का जो पेड़ है वो अपना क्या हो जाएगा, अपना जो अनुभव वो साझा कर रहे हैं बच्चों से कि पहले क्या था, मतलब मैं एक मतलब एक एक जमीन के जो खाली पड़े जगहों में क्या हो गया, मैंने वहाँ जन्म लिया और उस समय ना तो कोई मोटर गाड़ियाँ था, ना शोर शराबा था, ना कारखानों का धुआं था, कोई भी प्रदूषण नहीं था। ठीक है, अच्छा, और जब भी वर्षा होती थी तो क्या हो जाएगा, चारों ओर क्या हो जाती, हरियाली छा जाती थी, हरियाली से बिछ जाती थी, मैंने हरियाली, है ना, चारों ओर हरियाली था। ठीक है, अच्छा, जब अच्छा, और जमीन पर चल भी कितने भी रंग बिरंगे और कितने रंग बिरंगे जो पक्षियाँ थी वो क्या होती थी, मेरे पेड़ों में क्या उनका बसेरा था, वो वहाँ पर निवास करती थी, मैंने वहाँ पर रहती थी वहाँ पर। अच्छा, नीम का था वो, फिर होता वो, मैं कितना खुश था जब कभी शाम को तुम्हारे जैसे नन्हे नन्हे बच्चों मेरी छाया में खेलने आते थे। जो नन्हे छोटे छोटे बच्चों क्या करते थे, नीम के छाया में खेलते थे। वे कभी मेरी डालियाँ पकड़कर झूलते, कभी मेरे ऊपर चढ़कर खेल करते। मैं नीम इस बात की खुश थी कि छोटे जब मैं उसमें जब मैं लहरा था, मैंने नीम का पेड़ तो छोटे छोटे नन्हे जो बच्चे थे वो क्या करते, आके उसकी छाया में क्या करते थे, खेलते थे, है ना, और उसकी डालियाँ को पकड़ कर झूलते थे, नीम के डालियाँ, अरे कभी मेरे ऊपर चढ़कर खेल खेलते, कभी मेरी शाखाओं पर झूला डालकर झूलते थे, है ना, नीम। समय गुजरता गया,
दिन प्रति समय गुजरता गया, मैं बड़ा हो गया। जब वो छोटे था तो बच्चे क्या करते थे, छोटा था तो उसका डालियाँ झूलते थे, इस तरह से है ना झूलते थे। मैं बड़ा हो गया, अब मेरे सामने थोड़ी दूर पर एक पक्की सड़क बन गई, जहाँ पहले हरियाली था, पेड़ पौधा था, वहाँ पर क्या हो जाएगा, उस पेड़ को काट कर क्या बन गया, उसके सामने क्या बन गया, वहाँ पर एक पक्की सड़क बन गई। अक्सर मुझे उस पर गुजरती गाड़ियाँ दिखाई देती थी, अक्सर है ना, अक्सर मुझे अगर पक्की सड़क बन गई तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नीम को हमेशा वो कुछ मैंने गाड़ियाँ दिखाई देती थी आते जाते। अच्छा, अब इस तरफ काफ़ी लोग आने लगे थे, अब रोड जहाँ सड़क बन जाएगा पक्की सड़क, तो लोग वहाँ पर क्या हो गया आने जाने लगे थे। वो मेरी निगोरियाँ तोड़ते और मेरी टहनियों को दातुन के लिए तोड़ कर ले जाते थे। निगोरियाँ होते नीम कौड़ी को बोलते हैं, वो मतलब दवाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, समझ गए, निगोरियाँ उसके जो नीम का जो फल होता है उसको लोग इस तरह से बनाते, दवा बनाते, उसको लोग खाते भी हैं कुछ, ठीक है। अच्छा, हमने ऐसे देखा है। अच्छा, और तो नीम के जो टहनियों को क्या होता है, दातुन, अगर नीम का टहनियों को अगर दातुन किया जाए तो दांत में कीड़ा नहीं लगता है, समझ गए, वो मतलब नहीं लगता है दांतों में कीड़ा, कीड़े नहीं लगते हैं, समझ गए। नीम के दातुन का प्रयोग मैंने यूज अगर आप उपयोग करते हो जिसका नीम क्या हो जाएगा, हमारे दांतों में कीड़ा नहीं, ठीक है। तोड़ कर ले जाते हैं, मुझे दर्द तो होता ही था पर मैं हंस कर दर्द को सह लेता था। नीम कहती कि लोग मेरी जो फल होता है, निगोरियाँ होती हैं और जो मेरा टहनियाँ होता है दातुन, मुझे नीम का दातुन तोड़ के ले जाते हैं, मुझे दर्द तो होता है लेकिन मैं सह लेता हूँ। और नीम का जो पत्ता जो होता है, जो कुछ जो पत्ता होता है उसका, उसको अगर भाज के लोग कितना बैगन में किसी में खाते हैं वो, तो उसके लिए क्या होता है, हमारे जो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। तो अच्छा, तोड़ कर ले जाते हैं, मुझे दर्द तो होता ही था पर मैं हंस कर दर्द को सह लेता हूँ। आखिर हम पेड़ उगे ही दूसरों की सेवा के लिए, आखिर हम पेड़ उगे हैं किसके लिए, पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, बोलते हैं ना कि वो क्या, तो दूसरे के परोपकार के लिए होते हैं, वो क्या दूसरों के परोपकार के लिए होते हैं, ठीक है।